सिख भरे दोहे जो संत कबीरदास और रहीम जी ने हमारे सामने यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, उन दोहों के बारे में हम जानकारी देखने वाले हैं। आपने इन दोहों को पढ़ा है, मैंने आपको कल बताया था कि आपको क्या करना है, इस दोहों को आपको पढ़ना है और क्या करना है, उसके ऊपर जो शब्दार्थ हैं उन शब्दार्थों को लिख कर उसका पठन करना है। तो अभी हम क्या करते हैं, दोहों की जानकारी लेना शुरू करते हैं। हाँ, तो चलो, संत कबीरदास और रहीम जी ने आजकल जो समाज में ऊंच नीच का भेदभाव हमें नजर आ रहा है, ऊंच नीच के भेदभाव को नष्ट करने हेतु इन दोहों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हाँ, आजकल हम देखते हैं, अगर कोई आदमी हमारे घर पर आए तो हम कहते हैं कि नहीं, वह अच्छा नहीं था, उसके कपड़े ऐसे थे वैसे थे। हाँ, इस बारे में हम चर्चा करना तुरंत शुरू करते हैं। यह जो सामाजिक ऊंच नीचता का जो भेदभाव है, उस भेदभाव को नष्ट करने हेतु यहाँ पर क्या किया है, संत कबीरदास और रहीम जी ने इन दोहों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। सामाजिक जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को नष्ट करने का यहाँ पर एक अच्छा प्रयास किया है। हाँ, देखिए, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक होय। निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय। बिन पानी साबुन बिन, निर्मल करे सुभाय, निर्मल करे सुभाय। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही। पोती पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का पढ़े, सो पंडित होय, सो पंडित होय। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है। घड़ी घड़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ सहारा दे। बाहर बाहे चोट, बाहर बाहे चोट। साई इतना दीजिए, साई इतना दीजिए, जामे कुटुम समाय। मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाय, साधु न भूखा जाय। तिनका कबहू न निंदिए, तिनका कबहू न निंदिए, जो पायन तर होय। कबहू उड़ी आखी न परे, पीर घनेरी होय, पीर घनेरी होय। माला फेरत जुग गया, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डारी दे, मन का फेर, मन का फेर। जहाँ दया तह धर्म है, जहाँ दया तह धर्म है, जहाँ लोभ तह पाप, जहाँ क्रोध तह काल है, जहाँ छीमा तह आप है, जहाँ छीमा तह आप। तू करता तू भया, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। बारी तेरे नाव परी, जीत देखो तीत तू, जीत देखो तीत तू। संत कबीरदास एवं रहीम जी ने इन दोहों को हमारे सामने रखा है। हाँ, देखिए, सामाजिक बुराइयों का विरोध करने के लिए इन दोहों को हमारे सामने पेश किया है। देखिए, देखते हैं हम सीख भरे दोहों को। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय, तो दुख काहे को होय। इस दोहों को, इस दोहे के माध्यम से हमें क्या बताया है कि जब हम पर दुख आता है, जब हम पर दुख आता है, जब समस्या आती है, तब हम क्या करते हैं, सिर्फ ईश्वर का स्मरण करते हैं। सुमिरन, सुमिरन यानी स्मरण करना, सुमिरन यानी स्मरण करना। जब हमें दुख आता है, जब हम पर समस्या आती है, तभी हम क्या करते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं। जब हम सुखी रहते हैं, खुशी से रहते हैं, जब हम खुश रहते हैं, तब हमें ईश्वर को याद नहीं आती। तो यहाँ पर संत कबीर जी और रहीम जी हमें क्या बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अगर हमने सुख में ही ईश्वर को स्मरण किया, ईश्वर का स्मरण किया,
तो हमें दुख ही नहीं आएगा, ऐसा यहाँ पर कहा है। देखो, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख गायक होय। अगर सुख में ही हमने ईश्वर को स्मरण किया तो हमारे सामने दुख ही नहीं आएगा, कोई भी समस्या नहीं आएगी। आगे देखो, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय, निर्मल करे सुभाय। इस दोहे के माध्यम से क्या कहा है, निंदक नियरे राखिए। निंदक, निंदक यानी निंदा करने वाला, हमारी निंदा करने वाला, हमारे दोषों को दिखाने वाला, हमारे अंदर जो दोष है उन दोषों को दिखाने वाला, यानी उसे क्या कहते हैं, निंदक कहते हैं। यहां पर कबीर जो और रहीम जी बता रहे हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय। निंदक हमारे घर के पास ही होना चाहिए, हमारे आंगन में ही होना चाहिए, हमारे आंगन के पास ही होना चाहिए। हाँ, क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, हमारे दोषों को बताता है, हमारी गलतियों को बताता है, और वह गलतियाँ हमें सुधारने का मौका मिलता है, उन गलतियों को हम सुधार कर रखते हैं। हाँ, इसलिए निंदक कहाँ होना चाहिए, हमारे घर के पास ही होना चाहिए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे सुभाय। हाँ, उसकी वजह से हम क्या करते हैं, हमारा जो स्वभाव है उसे सुधारते हैं, अच्छा बनाते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि निंदक क्या करता है, हमारे दोष हमें बताता है, और उन दोषों को हम क्या करते हैं, सुधारते हैं। हमारा जो स्वभाव है उस स्वभाव को हम क्या करते हैं, स्वच्छ करते हैं, साफ करते हैं, बिना पानी और बिना साबुन के। कैसे करते हैं, साफ करते हैं, मतलब हमारे अंदर जो दोष है उन दोषों को हम निकालने का प्रयास करते रहते हैं। आगे देखिए, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी कुंडली बसे, कस्तूरी, कस्तूरी एक सुगंधित द्रव्य है जो कस्तूरी मृग के नाभि में होता है। हाँ, लेकिन वो उस मृग को, मतलब हिरण को, उस बारे में पता नहीं रहता। वो क्या करता है, पूरे जंगल में भटकता रहता है उस सुगंध को पाने के लिए। हाँ, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, जंगल में भटकता रहता है मृग यानी हिरण। हाँ, उस सुगंध को ढूंढने के लिए। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही, दुनिया देखे नाही। यहां पर कबीर जो और रहीम जी हमें बता रहा है, हर एक के घट यानी शरीर, बनमाही जंगल में, कुंडली, कुंडली यानी नाभि के नीचे वाला भाग, सुभाय यानी स्वभाव। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। देखो, कस्तूरी कुंडली बसे, कुंडली बसे यानी कुंडली यानी नाभि के भीतर वाला भाग। हाँ, यह जो सुगंधित जो द्रव्य है वो क्या रहता है, हिरण के नाभि के जो नीचे वाला भाग रहता है वहां पर रहता है, और वह उसे पूरे जंगल में भटकता रहता है। यहां पर कबीर जो और रहीम जी हमें यही बताना चाहते हैं कि हर एक मनुष्य के अंदर क्या है, ईश्वर है, लेकिन इस बात का पता हमें नहीं है, हम ईश्वर को यहां वहां ढूंढते फिरते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हर एक के अंदर, हमारे अंदर जो ईश्वर है उस ईश्वर को हमें क्या करना चाहिए, प्रसन्न करना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय। चाहे कितनी भी पुस्तकें क्यों ना पढ़े, चाहे कितनी भी पुस्तकें क्यों ना पढ़े, उसे हम पंडित नहीं बोल सकते। हाँ, तो हम पंडित किसको बोल सकते हैं, देखो, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय, सो पंडित होय। यहाँ पर कबीर जी और रहीम जी हमें बता रहे हैं कि जो हमें, हमारे साथ प्रेम पूर्वक बातें करते हैं, प्यार से जो हमें कुछ बताते हैं, वे ही सही रूप से क्या होते हैं, पंडित होते हैं। ऐसे कौन बोल रहे हैं, संत कबीर और संत रहीम जी हमें बता रहे हैं इन दोहों के माध्यम से कि पोती पड़ी पड़ी जगम हुआ पंडित भया न कोय। पोती पढ़ पढ़ कर अगर किसी का मृत्यु भी अगर हुआ है तो भी वह
पंडित नहीं हो सकता, तो भी उसे हम पंडित नहीं बोल सकते। जो लोगों को प्यार से कुछ बातें बताते हैं, प्रेम पूर्वक कुछ बताते हैं, उन लोगों को ही हम क्या बोल सकते हैं, पंडित हमें बोलना है। देखो, पोती पड़ी पड़ी जग मुआ पंडित भयान कोय, ढाई आकर प्रेम का पड़े सो पंडित होय, सो पंडित होय। आगे देखो, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ सहारा दे, बाहर बाहे चोट, बाहर बाहे चोट। इस दोहे के माध्यम से यहाँ पर हमें क्या बताया है, ये देखो, यहाँ पर गुरु को कुमार कहाँ है, कुमार आपको कुमार पता है ना, जो घड़ा बनाता है, मटका बनाता है, मिट्टी का घड़ा जो बनाता है उसे क्या कहा जाता है, कुमार कहा जाता है। गुरु कुमार और शिष्य, शिष्य को क्या कहा गया है, कुंभ, कुंभ यानी घड़ा। हाँ, गुरु को कुमार कहा है और शिष्य को, शिष्य यानी शिष्य, हाँ, शिष्य को यानी छात्र, हाँ, उसे क्या कहा है, कुंभ कहा है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। वो कुमार क्या करता है, अपने मटके को, अपने घड़े को अच्छा आकार देने के लिए क्या करता है, एक हाथ से अंदर से उसे सहारा देता है और बाहर से क्या करता है, उस पर चोट करता है। क्या करता है, चोट करता है, बाहर से मारता है, हाँ, ठोंकता है उसको। क्यों? क्योंकि उसे एक अच्छा सा आकार आ जाए। हाँ, देखो, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ सहारा दे, बाहर बाहे चोट, बाहर बाहे चोट। गुरु का भी ऐसा ही रहता है दोस्तों। गुरु क्या करते हैं, अपने शिष्य को अच्छा बनाने के लिए, होशियार बनाने के लिए, सही रास्ते पर लेकर जाने के लिए वे क्या करते हैं, उनको कटु वचनों से फटकारते हैं, कुछ बोलते हैं। हाँ, लेकिन सही रूप से देखा जाए तो वे ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनके मन में एक ही इच्छा रहती है कि मेरा छात्र अच्छा बन जाए, उसे एक अच्छा आकार आ जाए, उसके मन में अच्छे विचार निर्माण होने चाहिए, उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए, वो होशियार होना चाहिए। हाँ, इसी भावना को लेकर वे क्या करते रहते हैं, कटु वचनों से अपने शिष्य को फटकारते रहते हैं, जैसे कुमार घड़े को चोट करता है, फटकारता है। हाँ, आगे देखो, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, साई हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे तू सिर्फ इतना ही दे कि जिसमें मेरा परिवार समा सके, मेरे परिवार का उधर निर्वाह हो जाएगा। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाय, साधु न भूखा जाय। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे साई, तू मुझे सिर्फ इतना ही दे जो मेरे परिवार के लिए काफी है, हाँ, जिसमें मेरा परिवार का उदर निर्वाह हो जाएगा और मैं भी भूखा ना नहीं रहूंगा, और मेरे द्वार पर अगर कोई मेहमान आया, कोई अगर साधु आया, तो वो भी भूखा नहीं जाना चाहिए, बस मेरे लिए इतना काफी है। आजकल हम देखते हैं कि आजकल के लोगों की प्रवृत्ति कैसी है, वे क्या चाहते हैं, हाँ, वो लालच में आ गए हैं दोस्तों, और लालच में आकर वे सिर्फ क्या करते हैं, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, हाँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे उनके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, कितना भी धन क्यों ना हो, हाँ, उनको लालसा रहती है, लालच रहती है कि मुझे ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर कबीर जी और रहीम जी हमें ये बताते हैं कि ईश्वर को सिर्फ इतना ही बोलो कि हे ईश्वर, मुझे तू सिर्फ इतना ही दे जिसमें मेरा, मेरे परिवार का उधर निर्वाह अच्छी तरह से हो जाएगा, और मेरे द्वार पर जो साधु आएगा वो भी भूखा नहीं जाना चाहिए। आगे देखो, तिनका कबहु न निंदिए जो पायन तर होय, कबहु उड़ी आखिन परे पीर घनेरी होय, पीर घनेरी होय। आजकल हम देखते हैं समाज में ऊंच नीच का भेदभाव पाया जाता है, जो जिनके पास बहुत धन है वे लोग खुद को बहुत ऊंचा समझते हैं, हाँ, जिनके पास बंगला है, गाड़ी है, नौकर चाकर है, वे खुद को बहुत ऊंचे समझते हैं, और जिनके पास ये सब धन दौलत नहीं है उनको नीच समझते हैं, कमजोर समझते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तिनके के माध्यम से संत कबीर जी और रहीम जी हमें ये बताना चाहते हैं कि तिनका देखने में बहुत
बारीक रहता है तिनका, यानी क्या, सूखी हुई घास का एक छोटा सा हिस्सा, उसे कहते हैं घास का एक छोटा सा टुकड़ा। हाँ, वो अगर किसी के आंख में गया, अगर ऊंचे समझने वाले आदमी के आंख में गया, तो वह उससे भी क्या करता है, तांडव करवाता है, नृत्य करवाता है, पीड़ा देता है उसे। हाँ, यहां पर संत कबीर जी का और रहीम जी का हमें बताने का मतलब यह है कि छोटे आदमी को कभी भी कमजोर मत समझो। हाँ, छोटे आदमियों को कभी भी नीचे मत समझो, कम मत समझो। वे जब भी उनके मन में आएगा तब वे क्या करते हैं, आपको, आपसे तांडव करवा सकते हैं। हाँ, देखो, तिनका कबहू न निंदिए जो पायन तर होय, कबहू उड़ी आखिन परे पीर घनेरी होय, पीर घनेरी होय। घनेरी, घनेरी याने बहुत, घनेरी याने बहुत, बहुत पीड़ा हो सकती है हमें अगर तिनका हमारे आंख में गया, जिसे हम नीचा समझते हैं। मतलब, कहने का मतलब यह है कि समाज में जो नीचे समझे जाने वाले लोग हैं, वे लोग हमें पीड़ा भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए उन लोगों को हमें कभी भी नीचा नहीं समझना चाहिए। हाँ, हम क्या करते हैं, उनसे ही हमारे काम करवाते हैं, वे ही हमारे काम करते हैं, लेकिन उन लोगों को हम बहुत ही नीचा समझते हैं, कमजोर समझते हैं। तो यहाँ पर कबीर जी और रहीम जी हमें यही बताना चाहते हैं कि उन लोगों को कमजोर मत समझो। एक तिनके के उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर हमें बताने का अच्छा प्रयास किया है। हाँ, देखिए, तिनका कबहू न निंदिए जो पायन तर होय, कबहू उड़ी आखिन परे पीर घनेरी होय, पीर घनेरी होय। आगे देखो, माला फेरत जुग गया फिरान मन का फेर, माला फेरत जुग गया फिरान मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का, मन का फेर, मन का, मन का फेर, माला फेरत जुग गया। आजकल हम देखते हैं शाम के समय ईश्वर की पूजा करने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं, माला फेरने के लिए बैठते हैं। हाँ, ऐसा बहुत सालों से चलता हुआ आया है, लेकिन उन लोगों का जो मन के जो भ्रम हैं वह नहीं बदल रहे हैं। हाँ, जो उनके मन के जो विचार है, उन विचारों में बदलाव नहीं हो रहा है। तो यहां पर संत कबीर जी और रहीम जी हमें यही बताना चाहते हैं कि सिर्फ माला फेरने से कुछ नहीं होता होगा, सिर्फ माला फेरने से कुछ नहीं होगा, हमें क्या करना चाहिए, हमारे मन के जो विचार है उन विचारों में बदलाव करना जरूरी है, अच्छे और नए विचार लाने की जरूरत है, जिससे क्या हो जाएगा, समाज में नया परिवर्तन आ जाएगा। हाँ, देखिए, जहां दया तह धर्म है। देखो, सामने वाले अगर दयालु लोग हैं तो वे क्या करते हैं, धर्म करते हैं, मतलब दूसरों को कुछ न कुछ देते रहते हैं। जहां दया तह धर्म है, जहां लोभ तह पाप है। देखो, लोभ मतलब लालच, जहां पर कुछ लोग लालच भी करते हैं, लोभ भी करते हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तब उसे क्या कहा है इन्होंने, पाप कहा है। तो ये क्या है, पाप है। अगर आप दयालु हैं तो आप धर्म कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। अगर आप लोभी हैं तो आप क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। जहां क्रोध है तह काल है। अगर आप क्रोध करेंगे तो आप किसके समान है, मृत्यु के समान है, काल के समान है। और जहां छीमा तह आप है, जहां छीमा तह आप यानी ईश्वर, आप किसको कहा है, ईश्वर को कहा है, हे प्रभु। जहां पर छीमा है, मतलब सामने वाले ने अगर दूसरे को, अगर सामने वाले ने हमें क्षमा की है, सामने वाले ने हमें अगर क्षमा की है, तो उसे हमें किसके समान समझना चाहिए, ईश्वर के समान समझना चाहिए। हाँ, देखिए, जहाँ दया तह धर्म है, जहाँ लोभ तह पाप है, जहाँ क्रोध तह काल है, और जहाँ छीमा तह आप है, प्रभु, जहाँ छीमा तह आप है। आगे देखो, तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी तेरे नाव परी जीत देखो तीत तू, जीत देखो तीत तू।
तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूं। मैं तो सिर्फ हे ईश्वर मैं तो सिर्फ तेरा ही नाम लेती हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ। मेरे आंखों के सामने और मेरे मुंह पर सिर्फ आपका ही नाम है प्रभु सिर्फ आपका ही नाम है। इसलिए मेरे अंदर के जो अहंकार है वह क्या हो गए हैं जो बुरे विचार है वह क्या हो गए हैं समाप्त हो गए हैं चले गए हैं नष्ट हो गए हैं। तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूं बारी तेरी ना ऊपरी। मेरे मुंह में सिर्फ तेरा ही नाम है बारी तेरे ना ऊपरी जीत देखो तीत तू जीत देखो तीत तू। मेरे मुंह पर सिर्फ हे प्रभु मेरे मुंह पर सिर्फ तेरा ही नाम रहता है इसलिए मैं जहां भी देखता हूं मैं जहां भी देखूं वहां मुझे सिर्फ तू ही तू नजर आता है तू ही तू नजर आता है। कहने का मतलब यह है कि हमें क्या करना चाहिए हमें हर रोज ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। हमारे अंदर जो ईश्वर छुपा हुआ है उसे भी हमें खोजने का प्रयास करना चाहिए। आजकल हम देखते हैं लोग तीर्थ स्थल पर चले जाते हैं तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं लेकिन उनको इस बात का अच्छी तरह से ध्यान नहीं है कि हर एक के अंदर क्या है ईश्वर है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें क्या करना चाहिए हर एक को हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए प्यार से बातें करनी चाहिए। तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूं बारी तेरे नाव परी जीत देखो तीत तू जीत देखो तीत तू। हे ईश्वर मैं जहां भी देखूं वहां पर तू ही तू नजर आता है तू ही तू नजर आता है। ठीक है दोस्तों तो इसी प्रकार हमारा आज का यह जो गद्य है सीख भरे दोहे तो यह यहां पर समाप्त हो गया है।